यार गैस, आज ऐसा पहला दिन है जिस दिन गैस हमको बिल्कुल भी यार वाटर पार्क पे मजे नहीं आ रहे। गैस आपको पता है इस पूरे वाटर पार्क पे गैस मैं और हल्क सिर्फ और सिर्फ हम दो ही है गैस। ना तो सिंचन है, ना चिंटू है, और ना ही सिंचन का ना ही कोई दोस्त है। भाई हल्के बच्चे यार कुछ ऐसा कर जिससे भाई मेरे को काफी अच्छा लगे। और तो और गैस एक बार ये चेक करो भाई, आज जब हल्क यहाँ पर आए ना मेरे को लेके, तो भाई हल्क ने मेरे को सरप्राइज दिया। हल्का बच्चा सिंचन के लिए टॉय वाली कार भी लेके आया है, जो छोटा सा ट्रैक्टर है भाई। और वैसे गैस मैंने सिंचन को कॉल करके बोला तो है कि भाई सिंचन आजा फटाफट से, तो सिंचन और चिंटू बस आते ही होंगे। जब तक गैस एक बार भाई मैं चला के देख लो सिंचन की टॉय वाली कार। वैसे कुछ भी कहो भाई, ये छोटी मोटी गाड़ी चलाने में ना गैस मजा बहुत आता है भाई। ये ट्रैक्टर देखना गैस कितना छोटा सा है और मजा आ रहा है भाई चलन में। ओहो हो फ्रैंकली उनके बच्चे, एक काम करता हूँ मैं तेरे को हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाता हूँ। हेलीकॉप्टर? अबे लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएगा अब तू? और गैस एक बार इधर देखो भाई, क्या बढ़िया जगह है। अगर मैं चाहूँ तो गैस यहाँ पर इजिली भाई सो भी सकता हूँ। पेड़ की छाया भी आ रही है भाई वहाँ पे। और फ्रैंकली उनके बच्चे वहाँ पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा है, तू बोले तो मैं तेरे को नाच के दिखाऊं। क्या नाच के दिखाऊं? मेरा मतलब हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाऊं। ठीक है भाई, तेरे को जो करना है तू वो कर, मेरा तो गाइस यहां पर सोने का मन कर रहा है। जब तक सिंचन और चिंटू आते हैं ना, थोड़ी देर भाई आराम कर लेते हैं। और फ्रैंकली इनका बच्चा तो मुझे मजाक में ले रहा है, लगता है इसे लगता है कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता, लेकिन आज मैं फ्रैंकली इनके बच्चे को हेलीकॉप्टर उड़ा कर ही दिखाऊंगा। कहां चलेगा ये बैठो कैसे बैठा है छाए की हवा में। अबे भाई हल्की यहां पर तू एक बार सोकर तो देख भाई, कितना मजा आएगा। पेड़ की छाए के नीचे गैस एकदम ठंडी ठंडी हवा रही है, लेकिन ये पता नहीं क्या है, ये पेंगुइन है क्या? और अब बाप रे, ये तो मेड़ से भी बड़ी है। मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में मेड़ से मोटा, मेड़ से ताकतवर, मेड़ से लंबा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तो ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा लंबा बना रखा है। लेकिन उसी के छोड़ो, हेलीकॉप्टर के पास चलते हैं और हेलीकॉप्टर को उड़ा के देखते हैं। ये देखो ये खड़ा, ये ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे। ओ नहीं हल्के बच्चे, नहीं भाई ऐसा मत कर, ये हेलीकॉप्टर तेरा नहीं है। अरे बाढ़ में जाए किसी का भी हो, इसका शीशा तोड़ा, इसका लॉक भी तोड़ूंगा और उसके बाद इसको उड़ाऊंगा भी। ओ हल्के बच्चे तेरी गर्दन न कट जाए भाई, तेरी गर्दन काफी ऊपर आ रखी है। गाइस देखना यार ये पंखड़ियां घूम रही हैं, अगर जरा सी गर्दन आ गई ना हल्के बच्चे की, उसके बाद तो इसकी गर्दन गई। लेकिन तू जा कहां रहा है भाई? और आप फ्रैंकलिन के बच्चे बस अब तू देखता रहे, इस हेलीकॉप्टर को मैं लैंड करूंगा एकदम सेफली। ये देख लैंड कर दिया, बहुत अच्छे हा हा हा, इतना सा हेलीकॉप्टर उड़ाया मजा आ गया। अरे बाप रे, लगता है मेरे को हेलीकॉप्टर सही ढंग से उड़ाना नहीं आता, पता नहीं किसका ही हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर को तो मैंने वाटर पार्क के अंदर लैंड कर दिया, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर लैंड कर दिया। मजा ही आ गया, लेकिन कुछ भी कहो। अरे लेकिन यहाँ पर सच बताऊं तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार, अगर यहाँ पर कोई और होता ना तो उसके साथ आता मजा, पता नहीं कब आएगा ये सिंचन। हेलो गाइस, यार मैं तो मस्त करके रेडी हो गया। लगता है यार चिंटू के बच्चे ने ना किसी गाड़ी वाले को रुकवा भी लिया होगा। जल्दी से बस वो गाड़ी वाले को रुकवा लेना, उसके बाद तो गाइस इस गाड़ी में बैठ के हम डायरेक्ट यार निकल जाएंगे वाटर पार्क की तरफ। अरे क्या हो गया भाई, कोई रुका नहीं है क्या? अरे नहीं चाचू, कोई भी नहीं रुका है, बहुत देर से लोगों को रोक रहा हूँ, कोई रुक नहीं रहा। अरे लगता है यार तेरे बस की नहीं है कुछ भी, गाइस गाड़ी भी लगता है मेरे को ही रोकनी पड़ेगी। और आपको पता है गाइस, अभी अभी ना फ्रेंगल भैया को लाया, उन्होंने बोला कि सिंचन भाई तूने फटाफट से वाटर पार्क पे जा, हल्क भैया ने तेल्ले को ही सरप्राइज लेके आए। चलो गाइस वहां पर चलते हैं, और तो और वहां पर जाके फिर तो हमको नहाने को भी मिल जाएगा। अरे गाड़ी वाले अंकल फटाफट से यार हमको लिफ्ट दे दो, हमको ज्यादा दूर नहीं सिर्फ वाटर पार्क तक जाना है। अरे यार कितने बेवकूफ लोग हैं, देखना गाइस रोका भी नहीं यार, चले गया यार। गाइस काश हमारे पास भी गाड़ी होती ना तो मत जाते, खुद की गाड़ी में बैठ के आराम से जाते, किससे यार लिफ्ट मांगने की भी जरूरत नहीं थी। अब मैं यार आगे चल के कोशिश करता हूँ, क्या पता गाइस किसी की गाड़ी खड़ी हो और वो अनलॉक हो, उसके बाद उसकी गाड़ी जाएंगे। अरे लेकिन ये तो मेरा पड़ोसी है। अरे क्या हाल है पड़ोसी भाई, यार आज तो हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दे, फिर भाई हम भी तेरी कभी हेल्प कर दे। ओ बच्चे के बच्चे, यहाँ पर तू क्या करना है? चल 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 निकल ले। अरे भाई प्लीज यार हमारी हेल्प कर। अब क्या हेल्प चाहिए तेरे को, ये तो बता दे, इस बुढ़े आदमी से क्या हेल्प लेगा तू? अरे भाई हमको ना वाटर पार्क तक जाना है, प्लीज यार तू अपनी गाड़ी से यार हमको वाटर पार्क तक छोड़ दे, उसके बाद हमने तुझे पूरे के पूरे 50,000 देंगे। क्या 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 मतलब? मतलब अगर मैंने तुम्हें वहां तक छोड़ दिया वाटर पार्क तक, तो उसके बाद तुम मुझे 50,000 दोगे? लेकिन इतने पैसे क्यों दे रहे हो? अरे लेकिन क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, बस भाई तो एक बार छोड़ तो सही, उसके बाद तेरे को पैसे देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, इनको अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे को तो काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। चल ठीक है बच्चे, आ तू एक काम कर, मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को चलता हूँ भाई वाटर पार्क पर छोड़ता हूँ। लेकिन याद रखियो, अगर तुमने इस बुढ़े आदमी को 50,000 रुपए नहीं दिए तो तेरी चांद खुजा दूंगा। है चांद खुजा देगा मतलब? और क्या, तेरी चांद में खुजली कर दूंगा मैं बहुत खराब बुढ़ा हूँ समझ रहा है ना? चल तेरे को छोड़ के आता हूँ फटाफट से। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि बेटा तू वहां पर जाके मौज मस्ती करेगा। और क्या, वहां पर इसलिए तो जा रहे हैं, और तरह आपको पता है वहां पर ना फ्रैंकल भैया भी होंगे। और बच्चे एक बात और याद रखियो, अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो अपने घर का सारा कूड़ा तेरे घर के आगे फेंक दूंगा, ये याद रखियो। पहले मैं तेरे घर का कूड़ा फेंकता था, लेकिन तेरे भैया ने जब से मेरे से मना कराया ना, तो जब से मैंने कूड़ा नहीं फेंका। लेकिन अगर आज तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो हमेशा से फिर से कूड़ा फेंकूंगा। अरे बेफिक्र होकर कूड़ा फेंकना यार, लेकिन अभी तुम हमको जल्दी से पहुंचा दो, इस गाड़ी को भगाओ ना यार, कितनी खटारा गाड़ी है, थोड़ी और तेज चलाओ। तो गाइस एक बार ये चेक करो भाई, फाइनली गाइस हम वाटर पार्क
पे पहुंच चुके हैं यार। अब गाइस मस्त करके ना वाटर स्लाइड से यार स्लाइड करेंगे और उसके बाद जंप लगाएंगे स्विमिंग पूल में। उसके बाद तो गाइस सच में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन गाइस आज तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ ही नहीं है यार, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। अब भैया बताओ आखिरकार मेरे को भाई साहब रोक निकाल गाड़ी और तुम मेरे को पैसे कहां से दोगे? अरे वाह, ये चेक करो गाइस, हल्क भैया फ्रेंकल भैया दोनों के दोनों यहाँ बैठे हुए। लगता है मेरे को इसके भाई से पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन इससे पैसे मांगने में मेरे को अच्छे शर्म। एक सेकंड, अबे तू तो मेरा पड़ोसी है लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे तेरे दोनों के दोनों बच्चों को लेके आया, समझ रहा है? सिंचन को, एक चिंटू को, समझ रहा है? मेरे से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो एक काम करता हूँ, नहा लू क्या? वैसे भी फ्री का वाटर पार्क लग रहा है मेरे को, मेरे से कोई किसी ने टिकट ली नहीं, इस बच्चे के चक्कर में मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन ये दोनों यहाँ कहाँ भागते जा रहे हैं? और रुको रुको, मेरे पैसे दो, कहाँ भाग रहे हो? अरे हम भाग छोड़ने रहे यार, हम एटीएम के पास आए ताकि भाई एटीएम से पैसे निकाल के तुमको दे सके, समझ रहे हो ना? चल चिंटू भाई तू फटाफट से पैसे निकाल और इस खड़ूस बुड्ढे को दे दे भाई, जब तक मैं फ्रेंकल भैया के पास जाकर चेक करता हूँ आखिरकार फ्रेंकल भैया यार क्या सरप्राइज मिले। फ्रेंकल भैया, अरे सिंचन के बच्चे काफी टाइम लगा दिया, लेकिन फाइनली सिंचन तू आ गया। अब बताओ आखिरकार मिले सरप्राइज क्या है? सरप्राइज सिंचन यही है कि सिंचन हमको ना भाई बिल्कुल भी यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए सिंचन मैंने कॉल करके भाई तेरे को बुला लिया। अरे हल्क भैया के बच्चे यार तुम तो बहुत मोटे हो रहे हैं। ओ वो वो वो, अरे कैसे करके मानेगा सिंचन के बच्चे, उठा के फेंक ही दूंगा, समझ रहा है ना तेरे को? और तुझे पता है मैं यहाँ पर तेरे लिए क्या लेके आया हूँ? तेरे लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ एक टॉय वाली कार, जाके अपने भैया से मांग ले। और ये कौन है बुड्ढा? अरे ये बुड्ढे को यार भगा दे, ये अब से पैसे मांग रहा है। अरे ये ले बुड्ढे, कहीं के पैसे मांगेगा मेरे सिंचन से? ये ले, ओए ओए ओए, ये कौन है? अरे बाप रे, लाती मार दे, मेरे लात मार दे। अरे कौन है? अरे ये तो कोई आदि मानव लग रहा है। हो हो, मुझको क्या बोला, आदि मानव? अब मैं आदि मानव दिखता हूँ क्या तेरे को? रुक, अभी तेरी गर्दन चटकाता हूँ, यहाँ से भाग ले वरना तेरे को खा ही जाऊंगा पकड़ के, समझ रहे ना? कोई बचाएगा भी नहीं। बुड्ढे कहीं के मेरे सिंचन से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरी बॉडी नहीं देख रहा क्या? जा रहा हूँ। सिंचन का बच्चा तो बहुत तेज निकला, इसने तो वाया सब पैसे नहीं दिया। अब एक काम करूंगा, इससे घर के आगे जाके कूड़ा फेंकता हूँ, फटाफट से घर पे जाता हूँ। तो गाइस जरा भी हम ऊपर आ चुके हैं और गाइस अब यहाँ से भाई हम स्लाइड करने वाले हैं और लेट्स सी गाइस एक बार चेक करेंगे आखिरकार भाई हमसे अच्छी मतलब कौन कब से आगे जाता है भाई स्लाइड करते करते। तो लेट्स गो गाइस, मैं तो निकल गया हूँ। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम सबसे अच्छी जंप लगा पाओगे। रुकना सिंचन, तेरे को दिखाता हूँ ये चक्कर भाई, काफी स्पीड से और काफी ज्यादा लॉन्ग जंप मारी है गाइस मैंने। सच में भाई काफी ज्यादा लॉन्ग जंप मार दी भाई मैंने, इतनी ऊंची जंप तो भाई कोई मार ही नहीं सकता। चलो देखते हैं भाई आखिरकार सिंचन कितनी ऊंची जंप मारेगा। आ जाओ भाई आ जाओ, देखो तो सही अब किसकी बारी है। एक काम करता हूँ, अब मैं ही चले जाता हूँ, वैसे भी मेरा मन बहुत कर रहा है, बहुत देर से नहाया नहीं हूँ, हवा में मस्त करके लेटा हुआ था। ये देखो बहुत अच्छे, फ्रैंकलिन का बच्चा बोला कि उसने बहुत ऊंची जंप मारी है, लेकिन नहीं उसने बिल्कुल भी ऊंची जंप नहीं मारी। सबसे ऊंची जंप तो मैं ही मारने वाला हूँ यहाँ पर आके यार, मैं हमेशा ही अटक जाता हूँ, उसके बाद हो जाती है मेरी बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं जाकर चेक करता हूँ, मैं हेल्थ सिंचन से हल्क गिर गया, बावरे लग गई मेरे। अबे जाना हल्के बच्चे, तू मेरे से क्या ही ऊंची जंप लगा पाएगा, तू तो वहीं से गिर गया, सबसे घटिया परफॉर्मेंस लगा भाई सच में मेरे को तेरे को बेकार। अरे चलो चलो मेरी बारी आएगी सिंचन चाचू, ये ले तुम्हारे दोस्त को गिरा दूंगा। सिंचन चाचू का यहाँ पर दोस्त भी रखा है एक। अरे यार मैं हमेशा से यार फिसल नहीं पाता इस पे क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है ना, और तो मेरे को डर भी लगता है। ये देखो अगर सोचो अगर मैं नीचे गया और मेरे लग गई फिर क्या होगा? फिर तो ये जो मेरा गंजा खोपड़ा है इस पे बहुत तेज लग जाएगी। अरे बाबरे, आज मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को कपड़े पहन लेने चाहिए। मैं बचपन से अब तक कपड़े नहीं पहनता क्योंकि मुझे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। अरे अरे अरे, और अभी देखो मैं वाटर स्लाइड पे आया हूँ तो मेरी कमर छिल गई है एकदम से, और कपड़े पहने होते तो कमर नहीं छिलती। लेकिन पीछे जाऊंगा और उसके बाद बहुत तगड़ी वाली जंप लगाऊंगा। अरे चिंटू भाई जल्दी कर भाई, मेरी भी बारी आने वाली है, उसके बाद यार मेरे स्पाइडर दोस्त की बारी आएगी। अरे यार क्या करो, ये लो कूद गया। आ जाओ सिंचन चाचू आ जाओ। अरे पागल तू वहां से क्यों कूद गया? वाटर स्लाइड से तेरे को स्लाइड करना तो समझ गया, लगता है गाइस चिंटू का बच्चा पागल है यार। तो चलो गाइस अब ना यार मेरी बारी आ चुकी है, अब गाइस मैं स्लाइड करने वाला हूँ और देखना क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। चिंटू से तो गाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और हल्क भैया से भी बहुत अच्छा दिखाऊंगा, ये देखो। अरे वाह यार मेरी तो खोपड़ी घूम गई, लेकिन ये चेक करो गाइस क्या स्पीड से जा रहा हूँ भाई। अरे कहाँ जाकर रुकूंगा, मेरे को तो लगता है गाइस मैंने तो फ्रेंकल भैया से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अगर गाइस फ्रेंकल भैया से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस देखो ये चेक करो भाई, अब गाइस मैं ऊपर लेके आ चुका हूँ भाई बाइक। अब गाइस बाइक से भाई मैं स्लाइड करने वाला हूँ और देखते हैं कितना मजा आने वाला है। ये ले स्पाइडरमैन के बच्चे, ये भी ले, इसके ऊपर गाइस मस्त करके बाइक चढ़ा दी। और ये चेक करो, ये भी अब स्लाइड करते करते नीचे जा रहा है। लेट्स सी देखते हैं गाइस कौन जल्दी पहुंचेगा, स्पाइडर या फिर मेरी बाइक। ओ भाई ये चेक करो भाई साहब, स्पाइडर काफी स्पीड से नीचे जा रहा है। अब तो गाइस वो मेरे को दिख भी नहीं रहा यार, गायब हो गया। इसका मतलब वो मेरे से पहले पहुंच गया क्या? गिरा मैं गिरा, ओ बच गया भाई। अगर भाई बाइक थोड़ी और डिसबैलेंस होती ना उसके बाद तो गाइस मुंह के बल गिरता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है गाइस, मैंने लगा रखा है भाई हेलमेट, मेरे को कुछ हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर ये स्टैंड करने की जगह
बना रखी है क्या? मैंने तो गैस आज देखी है, वरना तो गैस हम यहाँ पर काफी टाइम से आ रहे हैं। और ये चेक करो भाई साहब, यहाँ पर तो एक साइकिल भी रखी हुई है। सिंचन को बता दूँ क्या? हाँ गैस, एक काम करेंगे, जब हम घर चलेंगे ना तो इस साइकिल को भाई घर लेके चलेंगे, और साथ ही साथ में जो हल्का बच्चा टॉय वाली कार लेके आए ना उसे भी गैस घर लेके चलेंगे, क्योंकि भाई वो तो सिंचन के लिए गिफ्ट लेके आए ना उस कार को। तो भाई ये जगह सही है, लेकिन गैस अगर यहाँ पर छोटे छोटे रैंप और बनाए होते ना तो और मजा आता भाई स्टंट करने में। क्या बोलते हो गैस, दोबारा लेके चलना चाहिए इस बाइक को ऊपर? लेकिन नहीं यार गैस, काफी ज्यादा यार ऊपर जाना पड़ता है बाइक को लेके, और तो और सीढ़ियों से जाना पड़ता है इस बाइक को खुद अपने हाथों पे उठाकर। तो गैस अब दोबारा तो गैस मैं ऊपर जाने नहीं वाला स्लाइड पे, तो क्या करूं, एक काम करता हूं, खुदाई देता हूं कैसे, लेट्स सी। और थोड़ा पहले मैं पीछे जाऊंगा और उसके बाद गैस एकदम स्पीड से आऊंगा आगे की तरफ और डायरेक्ट भाई जंप लगा देंगे अपनी बाइक को स्विमिंग पूल में। और ये लो भाई, बढ़िया करके कूद गया गैस बाइक को लेके, अब हो जाएगी भाई बाइक खराब। और ये चेक करो, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबे तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं फ्रिंगल भैया, अरे मलिक भैया से पूछ रहा हूँ, आखिरकार तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो, बता ही नहीं रहे। अरे ये सामने तेरे रखा है इतना बड़ा वाहन, तेरे को कुछ दिख नहीं रहा? अरे कहाँ रखा है यार, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। अबे हल्के बच्चे एक बार नीचे आना भाई, एक काम करते हैं दोनों के दोनों पानी के अंदर लड़ते हैं, देखते हैं भाई तू जीतता है या फिर मैं जीतता हूँ। और गिरा दिया, अब एक काम कर, अब तूने मेरे को स्विमिंग पूल में गिरा दिया, तो एक काम कर आजा तू मेरे से लड़ ले, देखो तो सही आखिरकार तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब गाइस प्यार वाला बाय।